देपालपुर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव नरेंद्र मकवाना और कुलदीप मुकाती के नेतृत्व में भागीरथ सिलावट महाविद्यालय की प्राचार्य अनिता जैन मैडम को ज्ञापन दिया गया। मकवाना ने बताया कि देश प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑफलाइन परीक्षा ली जा रही है। हमारे प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई अधिकारी कर्मचारी कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। वह ऐसे समय में अगर हम कॉलेजों में ऑफलाइन एग्जाम कराएंगे तो सभी छात्र प्रोफेसर एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। कोरोना महामारी फैलने का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा और स्टूडेंट प्रदेश के हर कोने से कहां कहां से एग्जाम देने जाएगा, जिसके कारण पूरे प्रदेश में कोरोना की चपेट में आने का अंदेशा बना रहेगा। देपालपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। ओपन एग्जाम के संदर्भ में ज्ञापन दिया है और जिसको कि मैं आज अग्रसित कर दूँ। दिनों से नहीं है, क्या कहना चाहिए? हमारे यहाँ बराबर सैनिटाइजर की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है, हैंड ग्लोव्स की व्यवस्था है। विद्यार्थियों को बराबर ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थी दूरी बना कर खड़े रहे। हमारे यहाँ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती विद्यार्थियों को, ना आज तक हमारे यहाँ इस तरह की कोई परेशानी है। लेकिन मैडम ठीक है, आप एक आज जिम्मेदार हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी वो सैनिटाइजर की व्यवस्था रहती है मशीन। ये तो अभी हाल डली ना, अभी 8 दिनों से कर दी था। अरे आज ही मंगवाया ना, कभी खत्म ही नहीं होता। चलो आज ही आपने मंगवाया? बिल्कुल नहीं मंगवाया, आप गलत बोल रहे हैं बिल्कुल। चलो ठीक, थैंक यू। इसमें के सभी साथियों ने मिलकर जो यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफलाइन एग्जाम जो ली जा रही है उसके परिप्रेक्ष्य में हम आए थे और हमने ज्ञापन दिया कि ऑफलाइन एग्जाम ना लेते हुए ओपन बुक एग्जाम ली जाए, क्योंकि प्रदेश में और देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अगर एग्जाम होगी तो कोने कोने से छात्र एग्जाम देने आएंगे और उनके आने के कारण कोरोना फिर फैलेगा और एक दूसरे से इससे उससे कोरोना फैलता जाएगा। तो हमारी आज मांग थी कि ऑफलाइन एग्जाम ना लेते हुए ओपन बुक एग्जाम ली जाए। अगर हमारी तरफ से आज मांग रखी है और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम फिर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। नरेंद्र मकवाना, प्रदेश महासचिव एनएसयूआई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।